Ve. हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह का टाइम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यह मॉर्निंग का टाइम और इनके जाने के बाद का टाइम। घर दिखा रही हूँ कि ये घर कैसे अस्त व्यस्त होता है सुबह के टाइम। और घर की जो चीज़ें हैं, सुबह कोई भी लेडी हो मेरी तरह जो मुझसे रिलेट करेगी अपने आप को, हम सभी लेडीज़ के टाइम का यही एक चीज़ होती है कि सुबह कितना अस्त व्यस्त घर, उसको समेटना, एक एक चीज़ को रखना, पूरे घर को समेटना, साफ़ करना, हर एक लेडी के लिए कितनी सुबह की जो होती है ना कि रूटीन में होता है काम, तो पूरा घर अस्त व्यस्त, किचन और ये सब समेटना, वो चीज़ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और कई बार हमारे जो हस्बैंड लोग होते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि घर में करते क्या हो तुम लोग, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोग घर में करते क्या है और घर की जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज कौन करता है। तो वो मैनेज करती कौन है, घर की लेडी। उस हर एक लेडी को सल्यूट है कि वो जो अपनी, चाहे कितनी भी बीमार हो, परेशान हो, वो अपने काम को अंजाम पूरी तरह से देती देती है। तो देखिएगा, सारी मैं चीज़ें स्टार्ट कर दी। और ये सुबह का काम जो होता है ना, वो सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, कि मैं अपने आप को दिखा के ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं इस तरह से कर रही हूँ। हम सभी जितनी भी लेडीज़ हैं उन सभी के लिए है ये, कि वो सब औरतें अपनी थकान हो या अपनी बीमारी हो उसको दरकिनार करके अपने काम में लग जाती हैं सुबह, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनको खाना बना के देना, उनके लिए घर को साफ रखना, उनके कपड़ों को मैनेज करना, हर एक लेडी का जो काम होता है उसके लिए मैंने आपको दिखा रही हूँ कि हम सब लेडी किस तरह करती हैं। और मेरे हस्बैंड की मैं बात नहीं करूँगी, मैं सभी के लिए बोलूँगी कि हम सब लोगों को अपनी वाइफ्स को जो है सम्मान देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप हम लोगों के लिए कितना काम करते हो। अगर आप बाहर करते हो तो उस उतना ही हम घर को देते हैं अपना टाइम, तो हमारे काम को भी जो है नज़रअंदाज ना किया जाए। तो घर का काम जो है ना समेटते समेटते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। और किचन आपने देखा कितना मैसी था, पूरा फैला हुआ किचन, और उसके बाद सारे बर्तनों को धुलना, उनको समेटना, किचन काउंटर साफ़ करना, गैस चूल्हा साफ़ करना, और घर के कपड़े, झाड़ू पोछा, एक एक चीज़ को सही जगह पर रखना, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारा एक जो वक्त है, लंबा समय वो जाता है। और उसी के साथ मैंने क्या किया, काम का मेरा काफ़ी फिनिश हो चुका था, बीच में मैं पोछा लगाने से पहले मैंने कपड़े लगाने के लिए मशीन में आ गई थी। और थोड़ा सा कैमरा जो है डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। सुबह का रूटीन सब लेडीज़ का यही होता है, साफ़ सफ़ाई, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ें, और इसी में हमारा आधे से ज़्यादा दिन तो इसी में चला जाता है। और आज का क्या हुआ कि सुबह मैंने लौकी बनाई थी, उसके साथ ही मैंने सोचा कि लौकी ही खाएंगे, तो मैंने अपनी मशीन को सेट कर दिया है। और इसमें मैंने जो डेली बना के कपड़े होते हैं हमारे, वो सब मैंने कपड़े लगा दिए, तो बस इसको मैं लगा के छोड़ दूँगी। उसके साथ ही मैं झाड़ू पोछा कम्प्लीट करने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए। देखिए मैंने अब, पहले मैं आपको दिखा रही थी उस टाइम कितना फैला हुआ था, और इस टाइम पर देखिएगा पूरा क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, गैस चूल्हा साफ़, सब कुछ। और घी मुझे निकालना था कढ़ाई से, वो मैंने अभी छोड़ा हुआ है, उसको मैं वॉश कर लूँगी बाद में। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि पूरा टाइम मेहनत करते हैं, और बाय चांस, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, अगर बाय चांस बीच में आ जाएंगे दोपहर के टाइम में लंच के बाद और घर में हल्का सा भी चीज़ें इधर से उधर हो, तो कहेंगे कि यार तुमने कुछ किया ही नहीं है क्या। और ये देखिएगा, ये सारी सब्जियां जो हैं मैंने अच्छे से वॉश की, इनको धुला के रखा है अच्छे से। और हर चीज़ को करने में एक लंबा समय जाता ही जाता है यार, सब लोगों को करना पड़ता है, सारी लेडीज़ हम लोग कितना काम करती हैं। पर उसके साथ ही मैं अब क्या किया, लास्ट मैंने कूलर में लगाया पानी और कूलर को भरा था उस टाइम पे मैंने, और साथ ही आज का जो लंच है वो हो गया हमारा। लंच में आज भिंडी और पुलाव बनाया था, वही खाया। बस आई होप ये इन्जॉय करें आप। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और आज मैं सोचा आज आपसे जो चीज़ मुझे बतानी थी बहुत इंटरेस्टिंग सी है, और मैंने उसके बारे में अपने एनिवर्सरी व्लॉग में डिस्कस किया हुआ है कि मेरा एक सूट जो लॉकडाउन से पहले मैंने टेलर के यहाँ दिया था बनाने के लिए, और वो जो है नहीं आ पा रहा था,
और उसको जो मैं अभी हम लोग परसों गए थे और परसों मैं उसको लेके आई हूँ, मतलब लगभग पूरे, आप विश्वास करो, पूरे 2.5 महीने बाद, हाँ 2.5 तो कंप्लीट नहीं, 2.5 नहीं यार, पूरे 3 महीने ही हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। हाँ तो 3 महीने बाद मैं लेके आ रही हूँ अपना सूट, और जिसका दुपट्टा मैंने आपको दिखाया भी था, ये वाला दुपट्टा, ये उसी सूट का दुपट्टा है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये मैं लेके आई थी, सूट लेके आ गई हूँ मैं, और अभी जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें घर में आने वाली हैं, जैसे हनी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, हनी के पापा का बर्थडे है, तो उस कारण तो फिर सोचा कि कुछ तो अपने पास होना चाहिए नया नया पहनने के लिए, तो ठीक है चलिए मैं उसको दिखा देती हूँ आपको, सूट है कौन सा। और ये मैंने इसको आयरन करके रखा था, इस वाले सूट को, ये है उसका सूट, और इसको मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने सेमी पटियाला की तरह ना, इस सूट को मैंने सेमी पटियाला की तरह बनाया है, ये देखिएगा आपको दिख रहा होएगा। और इसको मैं या तो बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे, या फिर हनी के बर्थडे पे इसको मैं पहनूंगी ज़रूर। तो ये मैं रेड वाला सूट लेके आई हूँ, और दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, ये उसका दुपट्टा था, और ये सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैंने इसको बनाने के लिए दिया था। और जो उसकी सलवार है, मैंने इसमें सेमी पटियाला बनवाई है, इसकी ये सलवार है। और साथ ही और मुझे दो चीज़ें बतानी थी आपको, हम काफ़ी दिन पहले हनी के पापा, मैं और हनी गए थे शॉपिंग के लिए, काफ़ी टाइम हो गया। उस टाइम पे मैंने क्या किया था, हनी के पापा ने मुझे एक टी शर्ट दिलाई थी, वो तो मैंने, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट थी घर पे, मेरे पास उतनी ज़्यादा टी शर्ट या फिर वैसा कोई कपड़ा नहीं था जो मैं पहनूँ, मुझे दिक्कतें होती हैं, मुझे लूज़ कपड़े पहनना पसंद है, उस कारण करके वो टी शर्ट ली थी, वो बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल है, और आपने शायद मेरे एक आध ब्लॉग में उसको देखा भी होगा। उसी के साथ मैंने क्या किया था, 2 कुर्तियाँ मैंने परचेज़ की थी वहाँ से, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है, तो वो कुर्तियाँ हैं, ये आपको दिखा दूँ एक एक करके। एक कुर्ती तो है ये, और ये कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा है, तो ये बहुत ही, मतलब गर्मियों के लिए तो बेस्ट है ये, और बहुत सुंदर कुर्ती है ये, आपको दिखा देती हूँ मैं खोल के, बहुत प्यारी सी है, लाइट पिंक कलर, और इसका गोटा वर्क अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, तो मैंने इसको ले लिया, इसके बाजू पे भी है गोटा वर्क, तो ये कुर्ती मुझे अच्छी लगी तब मैंने ले ली थी। और इसको मैंने उस दिन क्या किया, जैसे हम लोगों ने लिया था, तो उस टाइम तो हमने कार में रख लिया, हाथ वाश सैनिटाइज ऐसे ऐसे कर लिया, इस कुर्ती को फिर मैंने पूरा दिन के लिए रख दिया था एक साइड करके, उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको ईजी में अच्छे से वॉश करके फिर मैंने प्रेस किया, धूप अच्छे से लग गई, तो फिर मैंने इसको पहन के देखा, मैंने इसको अदरवाइज मैंने पहन के भी नहीं देखा था कि ये लग कैसी रही, मैंने पहनी भी नहीं थी। और एक ये कुर्ती है, अच्छी लग रही है, आप लोग बताना ज़रूर मुझे कमेंट में कि कुर्ती आपको, रेड सूट आपको अच्छा लगा या पिंक कुर्ती आपको अच्छी लगी, आप कुछ भी जो मेरा कपड़ा दिख रहा है कि अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर बहुत सुंदर लग रहा है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तो ये कुर्ती हो गई, और बहुत प्यारी सी है, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से, मतलब शरीर को चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। साथ ही मैंने जो लिया है नेक्स्ट, वो है ये ग्रे कलर की कुर्ती, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी, तो ये आपको कैसी लग रही है ये प्लीज़ आप मुझे बताना ज़रूर कि मेरी कुर्ती आपको कैसी लगी। ये एक ली है मैंने, और ये आप घर पे, मतलब नॉर्मली मैं मार्केट वगैरह, अगर मार्केट जा रहे हो, पहली बात तो मार्केट का थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि खुलेगी, डिस्टेंस ही बना के जाना है, कुछ भी काम करना है तो उसमें डिस्टेंस का पालन पूरी तरह से करना ही है, तो ये कुर्ती मैंने इसी वजह से लिया था कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये 2 कुर्ती आप
फॉर्मल उसमें डाल के आराम से इजीली जा सकती हो आप कहीं भी मार्केट में, अदरवाइज़ आप कोई फेस्टिवल भी, इसमें आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो, आप हल्का फुल्का कुछ फंक्शन हो उसमें भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हल्की सी कुर्ती है। और इसके साथ मेरे पास एक दुपट्टा है जो मैं इसके साथ लगाऊंगी, मिक्स मैच करूंगी। आप इसके साथ मुझे सजेस्ट ये करना कि इसके साथ मैं कौन से कलर का पैंट या लेगी इसके साथ लगाऊं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं इसके साथ कौन से वाला कलर यूज़ करूं कि इसके साथ सही बैठे। तो आप प्लीज़ मुझे एडवाइस करना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी कंफ्यूज़ हो रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस मुझे सजेशन ज़रूर देना कि मुझे इसके साथ क्या लेना चाहिए। तो देखिएगा, ये भी एक प्यारी सी कुर्ती है और मुझे दोनों कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगी, तो ये दोनों मैंने ले ली थी, बहुत प्यारी सी हैं। और इसके लिए प्लीज़ मैं दोबारा से फिर बोलूँगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि मैं इसके साथ क्या कलर का लूँ और कौन सा मैच करूँ उसके साथ, पैंट लेगी और कलर ऑप्शन। आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर देना कि इसके साथ मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करूँ। और आप जैसे लोग, काफ़ी सारे लोग होंगे जो कलर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक ये मैंने ले लिया। और हाँ, ये वाली कुर्ती जो अभी आपने मेरे एक व्लॉग में, जो भी मेरा रीसेंट गया है उसमें आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, ये पूरी ओपन कुर्ती है। ये इसमें पूरे में बटन दिया हुआ है इस कुर्ती में पूरे में, और ये भी प्योर कॉटन की है और पूरी लेंथी कुर्ती है, ये लंबी वाली कुर्ती है। ये हनी के पापा मेरे लिए लेके आए हैं। और ये कॉलर वाली कुर्ती है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पर इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज़ करा है। पहले एक दिन छोड़ा, उसके बाद इनको वॉश किया, धूप में अच्छे से रखा, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इसको प्रेस किया, तब जाके मैंने इसको पहना था। तो ये वाली कुर्ती आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताना। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा मुझे इसको पहने हुए। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को कलर कैसा लगा आप प्लीज़ बताना, मेरे पे कलर कौन सा अच्छा लग रहा था। तो आपको मैंने जो बताया ग्रे कलर का ये वाला कुर्ता, उसमें आप ये बताना मुझे कि कलर मुझे कौन सा लेना चाहिए, लेगी पैंट या फिर प्लाजो, जो भी आप बताओ। और एक ये पिंक वाला, इसके साथ तो मुझे लग रहा है मुझे वाइट लगा लेना चाहिए, वाइट इसके साथ अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मुझे कलर का सजेशन देना कमेंट बॉक्स में जाके। और आपको मेरा ये कुर्तियों का सेक्शन कैसा लगा, और जो रेड सूट मैंने आपको दिखाया है आप लोगों को, वो आप लोगों को कैसा लगा। और इस दुपट्टे के साथ ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, इसको मैं आपको बर्थडे पे, हनी का बर्थडे या फिर मेरा बर्थडे या हस्बैंड का बर्थडे, किसी एक में मैं ज़रूर पहने दिखूँगी। तो आप इसके लिए भी मुझे बताना कि ये कैसा लगा आपको। तो चलिए, आई होप ये कुर्ती वाला जो पार्ट है मेरा आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, और आई होप ये आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। और कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।